मतलब सीधी बात है कि 30 लाख इन्होंने व्हाइट मनी दिखाया, बाकी का ब्लैक ट्रांजैक्शन है, ब्लैक काला पैसा, उसकी जांच कौन करेगा? एक अधिकारी होकर ब्लैक मनी यूज करते हैं, ब्लैक में ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो इन्होंने इस घर मालिक को ब्लैकमेल किया है, या तो ब्लैक का पैसा यूज किया है, या तो ब्लैकमेल करके हड़पा है। दो ही चीज हो सकती है, क्योंकि 30 लाख में तो कोई बंगलो मिलता नहीं है, 30 लाख और 45 लाख में कोई बंगलो मिलता नहीं है। ये पेपर इन्होंने कुछ खुद दिए हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेव न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वीडियो में मैं आगे कुछ कहूं इसके पहले ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये वीडियो देखने वाले अगर कोई दर्शक वसई विरार महानगर पालिका के प्रभारी सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस का अगर शुभचिंतक है तो उससे हाथ जोड़ के विनती है वो ये वीडियो नहीं देखे, क्योंकि अगर गिल्सन का कोई शुभचिंतक ये वीडियो देखेगा तो उसको झटका लगने वाला है। इस वीडियो में जो मैं खुलासा करने वाला हूं उससे गिल्सन के शुभचिंतक को झटका लगने वाला है। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती है, आप वीडियो नहीं देखें। अब ये वीडियो अपनी बात शुरू करता हूं तो आपको मालूम है मैं एक सिग्नेचर कैंपेन चला रहा हूं, गिल्सन हटाओ महानगर पालिका बचाओ। क्यों चला रहा हूं ये भी आपको मालूम है, मैंने कई स्टोरीज लगाई है इसके पहले। गिल्सन का अपना बंगला इल्लीगल है, ये बात गिल्सन को निकले पेपर कागज पत्र सादर करो नोटिस से जाहिर हुई थी। उसके बाद में वो नोटिस गिल्सन को निकला था 31/1/2023 को, और उसके बाद में गिल्सन ने 2/2/2023 को इतने सब कागज पत्र महानगर पालिका प्रभाग समिति आई में सादर किए। ये मुझे जनमायती अधिकार कायदे में मिले हैं। अब ये कागज जो है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, पहले गिल्सन का क्या कहना है वो आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद में मैं अपनी बात कंटिन्यू करूंगा और इसमें क्या कुछ है आपको दिखाऊंगा। तो गिल्सन ने ये कागज लिखा है, वो कागज पत्र सादर करो के इसमें प्रति सहायक आयुक्त प्रभाग समिति आई विषय आपले कड़ी दिनांक 31 नोटिस जो 2/2 को मुझे प्राप्त हुआ, नहीं गिल्सन ने 13/2 को लिखा है, 2/2 को उनको वो नोटिस मिला था ऐसा है, और 13/2 को लिखा था इसमें इन्होंने गिल्सन ने लिखा है कि अपना उपरोक्त विषयानु वे विनंती पूर्वक कलुणिया जेते की वसई विरार शहर मानिक महानगर पालिका मौजे सांडोर यथी सर्वे क्रमांक 99 जुना 75 हिस्सा नंबर 1 हिस्सा क्रमांक 31 हया मिलकतीवर बांधून तैयार असलेले घर आमी श्री ली ओनाड दुमिंग पिरेल व श्रीमती पायल केलाजे ह्यांच्याकडून नोंदणीकृत करारनामेद्वारे खरेदी केलेली असून बांधलेले नाही। जो हम आरोप लगा रहे कि गिल्सन का बंगला इल्लीगल है, गिल्सन के ऊपर एमआरटीपी एक्ट के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, तो इसमें इनका कहना है कि इन्होंने ये जो बंगला है वो सर्वे क्रमांक 99 जो जूना 75 है सर्वे क्रमांक, वो श्री लियोनार्ड दुमिंग पिरेल और श्रीमती पायल केलाजे इनके पास से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत इन्होंने खरीदा है, इन्होंने बांध काम नहीं किया। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसका पूरा मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप जरूर देखना कि क्या इसमें है। फिर आगे मराठी में सदरच्या मिलकती ज्या जागेवर बांधण्यात आलेला आहे त्या ठिकाणी श्रीमती रोजमेरी दुमिंग पिरेल ह्याच्या नावे असलेली घर क्रमांक 1733 मालमत्ता अस्तित्वात होती, सदरची मालमत्ते बांधण्यास तत्कालीन ग्राम सांडोर ग्रामपंचायत मासिक सभा दिनांक 26/10/1985 ठराव क्रमांक 9/19 अन्वये मंजूरी देण्यात आली होती। श्रीमती रोजबेरी दुमिंग पिरेल यांच्या मृत्यूपश्चात सदरची मालमत्ता त्यांच्या मुलगा श्री रिनोल्ड दुमिंग पिरेल यांच्या नावे हस्तांतरित झाली, मालमत्ता क्रमांक 1733 झीण झाल्यामुळे श्री लियोनार्ड दुमिंग पिरेल यांनी सदर मालमत्तेच्या ठिकाणी नवीन बांधकाम करून सदरची मालमत्ते श्री रोनाल्ड आर सुतारी व श्री किशोर गोपाल केलाजे यांना विक्री केलेल्या होता। सदरच्या मालमत्ता आम्ही सदर 2 इसमाकडून खरेदी केलेल्या आहेत, म्हणजे सदरच्या मालमत्ता बांधण्यामध्ये आमचा कोणत्याही सहभाग नाही।
तो ये इसमें ये कह रहे कि श्रीमती रोजबेरी दुमिंग पिरेल इन्होंने 1900 उनके पास उनका घर क्रमांक 1733 ये 1985 में 26/10/1985 में ग्राम पंचायत सांडोर के ठराव क्रमांक में मंजूरी दी गई उसके हिसाब से बांधा था। उस पर मैं बाद में करूंगा, पहले ये पत्र पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने बांधा था, बाद में ये श्रीमती रोजमेरी दुमिंग पिरेल की मृत्यु हुई तो ये मालमत्ता लियोनार्ड दुमिंग पिरेल इनको हस्तांतरित हुआ और 1733 मालमत्ता क्रमांक ये जीर्ण हो गया था, मतलब रिनोवेट करने की आवश्यकता थी। तो लियोनार्ड दुमिंग पिरेल यानी सदर मालमत्ता जो ठिकाने नवीन लियोनार्ड पिरेल उन्होंने नए सिरे से बांध काम किया। उसके बाद इन्होंने श्री रोनाल्ड आर सुतारी और श्री किशोर गोपाल केलाजे इनको बेचा। और मैंने सदरचा मालमत्ता आम्ही सदर दोन इसमा कडून खरेदी केलेल्या आहेत, म्हणजे सदरचा मालमत्ता बांधण्यामध्ये आमचा कोणताही सहभाग नाही है, मैंने इन दोनों से खरीदी किया है, इसके लिए इसको बांधकाम करने में मेरा कोई सहभाग नहीं है। जो बांधकाम का विषय आता है MRTP का, उसको लेकर ये कानून की जो गलियां है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे पर्याय ने आम्ही कोणतेही अनधिकृत बांधकाम केलेले नाही, वही उसको अपना खुलासा दे रहे कि मैंने इस हिसाब से मैंने कोई अनधिकृत बांधकाम नहीं किया। आम्ही सदरचा मालमत्ता होते त्या स्थिती खरीदी केलेली आहे, जैसा था हमने वैसा खरीदा किया है, आपले म्हणण्यानुसार सदरचा बांधकाम अनधिकृत आहे, आपके अनुसार आपने जो पत्र दिया ये महानगरपालिका को बोला, आपने जो पत्र दिया उसके हिसाब से ये इलीगल है। सबब सदरचे बांधकाम नगर रचनेकडून नियमित करावची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली असून त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे एकत्रित करण्यासाठी वेळ लागणार आहे। तो आपने इसको इलीगल ठहराया, इसके लिए हम नगर रचना में जहां अभी इनकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग कहां है, नगर रचना में। तो आप सुन लीजिए, कुछ पॉइंट मैं बाद में आऊंगा वापस। तो नगर रचना में हम कार्रवाई नियमित करने की कार्रवाई कर रहे हैं, रेगुलाइज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, करने की कार्रवाई शुरू की है, उसमें कुछ समय लगेगा। बांधकाम नियमित करण्याचा प्रस्ताव नगर रत्न विभाग सादर केल्यानंतर त्याची प्रत आपणा सादर करण्यात येईल। बांधकाम नियमित करने का जो भी प्रोसिजर है उसके पेपर वहां पर नगर रचना में सबमिट करने के बाद उसकी हम एक कॉपी आपको देंगे, मतलब अभी तक दिया नहीं है, अभी तक वो भी प्रोसिजर हुआ नहीं है। सदरचा मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आम्ही बसिन कॅथलिक बँक कडून कर्ज घेतलेले आहे, इतना गरीब है कि इन्होंने बसिन कैथलिक बैंक से कर्ज लिया है। हालांकि वो कर्ज वो लोन जो है वो 7-12 पे भी दिखता है और ये हकीकत है कि लोन है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ खुलासे मैं करने वाला हूं। फिर आगे अगले पेज में तरी वरील सर्व बाबीचा सहानुभूती पूर्वक विचार करून बांधकाम नियमित करण्यात लागणारी कागदपत्रे एकत्रित करण्यास व नियमित करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यास अवधी मिलावा ही विनंती, सबब आमच्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात येऊ नये ही विनंती। मैं आगे की चीजों पर बाद में बात करूंगा, पहले ये लास्ट का जो पैराग्राफ है पैरा है उसके ऊपर बात करता हूं। यहां ये क्या बोलते, तरी वरील सर्व बाबीचा सहानुभूति पूर्वक विचार करून बांधकाम नियमित करण्यास लागणारी कागदपत्रे एकत्रित करण्यास व नियमित कारणाचा प्रस्ताव सादर करण्यास अवधि मिलावी, यानी कि आप ये जो मैंने पहले पेज पे जो लिखा हूं, इनका ऐसा कहना है कि मैंने जो पहले पेज पे लिखा हूं वो सिर्फ चीज को ध्यान में रखकर सहानुभूति, ये वर्ड याद रखिया, सहानुभूति पूर्वक विचार कीजिए और हमें समय दीजिए कि मैं अपना जो है वो रेगुलाइज करूं, मुझे उतना सबब दीजिए और मेरे खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही नहीं कीजिए। उसके बाद में इन्होंने खरीदी खर्च साथ में दिया है, मालमत्ता क्रमांक 1733 का जो उस समय का घरपट्टी है वो दिया है और परवानगी नकाशा तत्कालीन सांडोर ग्राम पंचायत, ये तत्कालीन सांडोर ग्राम पंचायत का परवानगी नकाशा है। अब ये तो होगा उनका जवाब, जवाब में पहले क्या लिख रहे हैं कि मैंने नहीं खरीदा और मैंने नहीं बनाया, इस पे मैं बात करूंगा अभी कंटिन्यूटी में, ठीक है। और अंत में बोल रहे सहानुभूति पूर्वक विचार। अब मुझे ये बताइए, अच्छा मैं वही बोल रहा हूं, परवानगी नकाशा मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगा, ये परवानगी नकाशा है सांडोर का, सांडोर ग्राम पंचायत का परवानगी नकाशा है, सांडोर ग्राम पंचायत ने इस पे सिग्नेचर किया हुआ है, स्टैंप मारा हुआ सही है,
लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच को नकाशा पास करने का अधिकार किसने दिया? कौन से कायदे में? 1985 में नगर रचना विभाग महानगर पालिका नहीं था, ना ही सिडको था, तो ये पावर किसको था? कलेक्टर को था। जिलाधिकारी कार्यालय का कहीं पे इस पे स्टैंप है क्या? ये मैंने सबमिट नहीं किया है, ये गिल्सन ने सबमिट किया है। एक बात। दूसरी बात, जो गिल्सन ने इसमें लिखा कि रोज मेरी दुमिंग पिरेल ने ये बांधा, उनका मैंने आपको दिखाया, रोज मेरी पिरेल जो जिनकी बात की जा रही है उन्होंने बांधा, ये ग्राम पंचायत सांडोल ने। ग्राम पंचायत सिर्फ और सिर्फ एनओसी दे सकती है, नकाशा पास करने का राइट ग्राम पंचायत को नहीं है। क्या एक सहायक आयुक्त को यह बात मालूम नहीं है? क्या एक महानगर पालिका अधिकारी को यह कानून कायदा मालूम नहीं है? पब्लिक को बेवकूफ बनाने की बात। अब दूसरी बात, इन्होंने बोला मैंने लियोनार्ड दुमिंग पिरेल से जैसा स्थिति में आज है वैसी स्थिति में खरीदा है, तो आपने कागज पत्र चेक किए होंगे? कागज पत्र चेक किए ना आप? पब्लिक के सबके कागज पत्र चेक करते हो जब सीट कुर्सी पर बैठकर अधिकारी की, तो आपने ये चेक नहीं किया कि इसकी परमिशन नहीं है? तो वो खरीदी कैसे किया? क्या इलीगल को खरीदी करना, इलीगल का व्यवहार करना इलीगल नहीं है? क्या कायदे में यह बात बैठती है कि इलीगल है तो उसको आप खरीद सकते हो? यहां ये बड़े शान से बोल रहे कि मैंने बांध काम नहीं किया, लेकिन किसी ने तो किया ना, आपने उससे पूछा कि तुमने अनाधिकृत तुमने बांध काम का परमिशन लिया था क्या? ये दूसरा फॉल्ट। इससे आगे बढ़ू, ये पूरे पेपर अभी मैंने पूरे पूरी तरह से पढ़े नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ इन्होंने घर पट्टी दिया है। ये खुद बोलते हैं, महानगर पालिका खुद बोलती है कि घर पट्टी जो है वो लीगल होने का ये नहीं है, लीगल होने का सर्टिफिकेट नहीं है। घर पट्टी से आगे निकलेंगे, घर पट्टी दुमिंग परे की है, ये खरीदी खत है, ये खरीदी खत है वो उन्होंने दिखाया है। अब इसमें इनके पास दो बंगले हैं, सर्वे नंबर 99 सांडोर हिस्सा नंबर A31 पर जो इन्होंने लिए वो दो बंगले हैं, और सबसे बड़ा झोल ये पूरा एग्रीमेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि एग्रीमेंट बना कैसे, जब इलीगल स्ट्रक्चर है तो उसका एग्रीमेंट रजिस्टर्ड कैसे हुआ? रजिस्ट्रार को भी ये कायदा शायद मालूम नहीं है क्या? रजिस्ट्रार ऑफिस से यह ये एग्रीमेंट बना कैसे जो इन्होंने दिया है? या तो एग्रीमेंट बोगस है, जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने इस एग्रीमेंट में एक बंगले की कीमत मार्केट वैल्यू 30 लाख रुपए बताई है और दूसरे की 49 लाख रुपए बताई है, तो क्या 30 लाख रुपए में बंगला आता है? मेरा सवाल है, 30 लाख रुपए में आज के समय में वसई विरार महानगर पालिका क्षेत्र में 1 BHK रूम नहीं आता है। ये 2016 में इन्होंने खरीदा था, तब का रेट शायद कम हो सकता है, लेकिन 30 लाख रुपए में, मतलब सीधी बात है कि 30 लाख इन्होंने व्हाइट मनी दिखाया, बाकी का ब्लैक ट्रांजैक्शन है, ब्लैक काला पैसा, उसकी जांच कौन करेगा? एक अधिकारी होकर ब्लैक मनी यूज करते हैं, ब्लैक में ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो इन्होंने इस घर मालिक को ब्लैकमेल किया है, या तो ब्लैक का पैसा यूज किया है, या तो ब्लैकमेल करके ये हड़पा है, दो ही चीज हो सकती है, क्योंकि 30 लाख में तो कोई बंगलो मिलता नहीं है, 30 लाख और 45 लाख में कोई बंगलो मिलता नहीं है, ये पेपर इन्होंने कुछ खुद दिए हैं। और अगर इन्होंने पैसा दिया है, ब्लैकमेल नहीं किया है, तो क्यों सरकार का टैक्स इन्होंने जमा नहीं किया? क्यों उसकी कीमत इतनी कम दिखाई? इनका बंगलो का साइज कितना है, एरिया कितना है? बंगलो में
जमीन भी आ जाती है। हम एक फ्लैट खरीदते तो उसमें जमीन नहीं आती है। एक 10 माला की बिल्डिंग में आप फ्लैट खरीदो तो जो फ्लैट पे जो फ्लोर पे आपका फ्लैट है उसी की कीमत जो है वो देनी पड़ती है। जमीन जमीन मालक की या सोसाइटी की रहती है। यहां पे जमीन मालक भी यही है। जमीन के 7-12 पे भी इनका ही नाम है, नाम आया। क्यों? क्योंकि बंगलो जमीन के साथ ही खरीदा जाता है। रो हाउस जो है ना पूरा का पूरा खरीदा जाता है। तो 30 लाख तो जमीन की कीमत नहीं होगी, बंगलों की कीमत कहां से 30 लाख है? तो ये सवाल है मेरा, इसकी जांच कौन करेगा? और वैसे विराम महानगर पालिका अधिकारी, मैं सवाल उठा रहा हूं वैसे विराम महानगर पालिका की कार्य प्रणाली पर, जो गरीबों के झोपड़े तोड़ने चले जाते हैं, क्यों नहीं हमारी कंप्लेन के ऊपर गिलसन गोंसाल्विस जैसे अधिकारी के ऊपर कार्यवाही कर रहे हैं? क्यों नहीं गिलसन गोंसाल्विस को पदमुक्त किया जा रहा है? इनको यहां से हटाकर प्रभाग समिति एच से हटाकर नगर रचना में डाल दिया। अब अपना फाइल क्लियर करो। ये प्रशासन चल रहा है कि मजाक चल रही है? प्रशासन है कि मजाक है? दिखाओ हिम्मत। अजीत मुंडे साहब को मेरा सवाल है, सीयूसी के आप हेड हो ना, दिखाओ हिम्मत, तोड़ो इस अधिकारी का घर। ये मत बोलना कि हमें धमकी देता है कि मेरा टूटेगा तो सबको तोड़ना है। सुना है मैंने ऐसा भी कि अपने अधिकारियों को धमकी देता है। ये इलीगल था वो प्रूव हुआ, अभी ब्लैक का ट्रांजैक्शन हुआ ये भी प्रूव हो रहा है। कौन करेगा कार्यवाही? दोस्तों मेरा अपील है मेरे इस मेरी मुहिम में मेरा साथ दीजिए, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को उसके पद से मुक्त कराने में मेरे साथ आंदोलन में शामिल होइए। मेरा यह आंदोलन शुरू था, आगे भी शुरू है और अभी तो यह तीव्र होने वाला है। महानगर पालिका आयुक्त से मेरी विनती है, जिस दिन मैंने आंदोलन किया था आयुक्त को पत्र सौंपा था उसी दिन आयुक्त को मैंने बोला था कि यह गलत है कि नहीं, तो आयुक्त ने बोला गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने नोटिंग करके अतिरिक्त आयुक्त के पास भेजा था। अतिरिक्त आयुक्त ने क्या कार्रवाई की? रमेश मनाले पिछले कई सालों से वसई विरार में है, बीच में 2 साल वसई विरार से ट्रांसफर हुआ दूसरी जगह गए, अभी फिर वसई विरार में आए। रमेश मनाले अतिरिक्त आयुक्त और अनधिकृत बांधकाम के डिपार्टमेंटल हेड है, वो क्या कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाएंगे इसके ऊपर? तो महानगर पालिका के आधा अधिकारियों से मेरा यही सवाल है कि आपके जो बुलडोजर है गरीबों के ऊपर चलते हैं, बेसहारा के ऊपर चलते हैं, ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के घर तक कब पहुंचेगी? सबसे पहले इस अधिकारी की वसई विरार महानगर पालिका से इसको पदमुक्त किया जाना चाहिए, यह मैं मांग लगातार करते आ रहा हूं। फिर भी महानगर पालिका इस मांग को नहीं मान रही है। अब समय ये कि आंदोलन करना पड़ेगा, आंदोलन भी करूंगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, यही खुलासा काफी है। और एक बार फिर से माफी मांगता हूं उन लोगों से जो लोग गिलसन के शुभचिंतक है और उन्होंने वीडियो देख लिया गलती से, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था वीडियो के पहले शुरू में ही बोला था उनको झटका लगने वाला है। तो उन शुभचिंतकों को भी मैं अपनी तरफ से सॉरी बोलता हूं, लेकिन जनता के हक में जो सही होगा उसके लिए मैं आवाज तो उठाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786